वेल दोस्तों, आप सभी ने बॉलीवुड में कई सारे अभिनेताओं को अलग अलग और यादगार किरदार निभाते हुए देखा होगा, जिसमें से कई कलाकारों ने कई फ्रीडम फाइटर्स के किरदारों को बड़े ही बखूबी तरीके से पर्दे पर उतारा है। उन्हीं में से एक फ्रीडम फाइटर थे महात्मा गांधी, जिनके किरदार को कई बार बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर उतारा गया, वो भी अलग अलग एक्टर्स के द्वारा, जिन्होंने बापू के इस किरदार को बेहद ही बारीकी से और बेहद ही खूबसूरत तरीके से शिद्दत के साथ निभाया कि ऐसा लगा ही नहीं कि वो बापू के किरदार को निभा रही हैं, बल्कि ऐसा लगा कि वो खुद बापू ही एक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से हैं वो पांच कलाकार जिन्होंने बापू के इस किरदार को बड़े ही शिद्दत तरीके से निभाया है और दर्शकों से काफी ज्यादा तारीफें हासिल की हैं? अगर नहीं तो फिक्र ना करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन टॉप 5 एक्टर से ही रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने बापू के महान किरदार को बड़ी ही शिद्दत के साथ पर्दे पर पेश कर सभी की तारीफें हासिल की हैं। अगर आप भी इन कलाकारों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिरकार कौन है वो टॉप 5 एक्टर्स जिन्होंने बापू का किरदार निभाया। नंबर 1, दिलीप प्रभावलकर। मराठी एक्टर दिलीप प्रभावलकर ने ब्लॉकबस्टर फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी का किरदार निभाया था, जिसमें ये संजय दत्त के साथ एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। इन्होंने गांधी जी के पूरे गेटअप को इस तरीके से कैरी किया था कि लग ही नहीं रहा था कि एक्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि गांधी जी खुद आए हों और एक्टिंग कर रहे हों। इसलिए तो इनके इस किरदार को दर्शकों से काफ़ी ज़्यादा तारीफें भी मिली थी। नंबर 2, बेन किंग्सले। बेन किंग्सले एक ऐसे इंग्लिश मैन हैं जिन्होंने साल 1982 में आई फिल्म गांधी में मोहनदास करमचंद गांधी का किरदार निभाया था। उन्होंने ये किरदार इतनी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतारा था कि सभी फिल्म क्रिटिक्स ने इनकी तारीफ कर डाली थी। साथ ही इन्हें इस किरदार को निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ऑस्कर भी मिल चुका है। नंबर 3, दर्शन जरीवाला। फिल्म गांधी माय फादर में गांधी का किरदार निभाते नजर आए दर्शन जरीवाला ने बापू के किरदार को बखूबी उम्दा तरीके से पर्दे पर उतारा था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फिरोज अब्बास खान ने। साथ ही साथ ये फिल्म गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी पर आधारित थी। इस फिल्म में इन दोनों के रिश्ते को काफी अच्छे तरीके से पेश किया गया था, जिसकी तारीफ सभी लोगों ने की थी। नंबर 4, रजत कपूर। मशहूर जासूस ब्योमकेश बख्शी के तौर पर मशहूर हुए एक्टर रजत कपूर ने फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा में महात्मा गांधी के मेन कैरेक्टर को निभाया था, जिसे दर्शकों ने फिल्म क्रिटिक्स के साथ ही बॉलीवुड जगत के ज्यादातर कलाकारों ने भी काफी पसंद किया था। इनकी एक्टिंग को भी काफी ज्यादा तारीफें मिली थी और इस किरदार को निभाकर ये काफी ज्यादा मशहूर हुए थे। नंबर 5, नसीरुद्दीन शाह। इस कड़ी में आखिरी नंबर पर नाम आता है दिग्गज और स्मार्ट एक्टर नसीरुद्दीन शाह का, जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अलग दृष्टिकोण देने वाली फिल्म है हे राम में महात्मा गांधी का मुख्य किरदार निभाया था। ये फिल्म दोस्तों वैसे तो काफी विवादित यानी कि कंट्रोवर्शियल रही थी, लेकिन इस किरदार को निभाकर बापू की एक अलग ही इमेज सबके सामने पेश की गई थी, जिसे आज तक कोई भी भुला नहीं पाया है। साथ ही इनके इस फिल्म में एक्टिंग और इनके लुक्स को भी काफी पसंद किया गया। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से कौन सा गांधी जी के रूप में सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा और पसंद आया, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखना चाहते हैं और ऐसी खबरों से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिना देरी किए तुरंत सब्सक्राइब करें।